मौजूद हैं रेलवे स्टेशन के करीब। यहाँ पर तेज़गाम एक्सप्रेस आपस में गाड़ियाँ जुदा हो गई हैं, तो मुसाफिरों से बातचीत करते हैं कि भाई जान ये कैसे हुआ है गाड़ियाँ आपस में दो हम दो गाड़ियाँ हैं या एक ही है? ये एक ही गाड़ी है। अच्छा आधी उधर है आधी आधी इधर है। हाँ, एक झटका लगा बहुत ज़ोर से, हम सोए हुए थे और अचानक उतर के हमने देखा तो डब्बे अलग से हुए हैं। अच्छा, और काफ़ी देर से हम यहाँ पे हैं, अभी तक देखें कोई काम नहीं हो रहा। अभी तो कुछ एक घंटे के बाद आए हैं मेरे ख्याल में हमले वाले, हालांकि ये बिल्कुल स्टेशन के पास हैं, इन लोगों को फ़ौरन आना चाहिए था, मर्द एक घंटे में अभी आधे एक घंटे के बाद ये लग कर रहे हैं। अभी देखें अल्लाह बचा रहे, नहीं तो हुकूमत जो है ना ये मरवा रहे, समझ आ गया? नहीं, इसमें हुकूमत की क्या गलती है? ये कि इनका जो है ना काम ऐसे ही है, देखो सारा जो है ना रेलवे इस तरह है, सारा निज़ाम देखो आप, चार आठ डब्बे पीछे रह गए और आगे जा रहे, देखो मतलब लोगों को मरवा रहे मगर अल्लाह बचा रहे पाकिस्तान की आवाम। अच्छा, ये मुझे बता रहे हैं कि गाड़ी स्पीड में नहीं थी, ये लीडर लोग जो है ना इनका बस चले स्पीड में थी, बस ये खाने वाले से निकली और उसके बाद जो है ना ये आठ डब्बे पता लगे कि पीछे रह गए, तो ये जो है ना अल्लाह बचा रहे बंदों को। आप अगले डब्बों में थे कि पिछलों में थे? हम लोग तो आगे ये इसमें बैठे हुए थे। अच्छा, इसमें थे आप? अच्छा, हम तो पीछे वाले में नहीं थे, आगे वाले में। मगर ये दिखाएं आधी ट्रेन वो सामने खड़ी हुई, आधी ये खड़ी हुई और आधी जो है ना, बस मैं तो आपको बोला ना कि ये अल्लाह बचा रहे बाकी जो है ना लीडर लोग इन लोगों को मरवा रहे। अच्छा, जिस तरह ये जंक्शन के पास थी ना गाड़ी, तो इनको चाहिए था ये पाँच मिनट में ये काम हो रहा है, हमें पिछले डेढ़ घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, तो अभी तक कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करे, अब तो जो होना था अल्लाह ने करम किया है। जान पटरी से तो नहीं उतरी है कि पटरी से उतरी हुई आ गई? पटरी से बचत हो गई है, जुदा हो गए आपस में, ट्रेनें स्लो थी, अल्लाह तला ने करम किया बचत हो गई है, पर आपस में टकराई हैं, एक दफा खुली हैं फिर टकराई भी हैं। अच्छा, चोर है बस, इमरान खान ना गई जिंदाबाद। नहीं, पीटीआई ठीक अच्छी थी, लेकिन उसमें जो थे वो डाकू थे, उसमें कुछ डाकू थे। लेकिन ट्रेन खुलने में पीटीआई और नून लीग का क्या बात है? ट्रेन खुली है ना, ये तो ट्रेन खुली है। नहीं, ट्रेन पहले क्यों खुलती थी? पहले क्यों नहीं खुलती थी? पहले कभी खुली थी इमरान खान के दौर में? नहीं खुली थी। अब खुली क्यों? जब सारे चोर डाकू रले हुए हैं। अच्छा, उन्होंने वहाँ की ट्रेन खोली? बस वही खोली है, समझो। चलें जी, आपकी बात सर जो है, सर आपकी राय काबिल एहतराम हमारे लिए। ये काम है, आप इसको थाम के रखेंगे तो गिरेगा नहीं? नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। जिसकी ड्यूटी है उसको लगाना, बिल्कुल। ये गफलत है, गफलत है, ये गफलत। इससे कोई जानी नुकसान हो जाता तो क्या कह रहे हैं? मैंने बोला ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये स्टेशन हम लोग अभी दो पाँच मिनट पहले स्टेशन कराया और दो चार मिनट स्टेशन से निकल गया और यह दिशा हो गया। अगर ये स्पीड में होता था तो अल्लाह नहीं करे कितने जाने चला जाता था। ये अल्लाह से हालात के अंदर शुक्र करना चाहिए और अल्लाह से वो मांग। आप कहाँ से कहाँ? कराची जा रहा हूँ। अच्छा, कराची यहाँ हम लोग लाहौर मरकज से हम लोग आया अभी। अच्छा, तबलीगी जमात? हाँ, तबलीगी जमात है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बस अपने रास्ते में चार महीने के लिए कबूल किया, अभी वापसी है। तो इसमें बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, ये बच्चों का अल्लाह पाक जो ये भलाए आते हैं ना, तो ये भी कुछ कोई सदके वाला कोई बैठा होता है। ये दुनिया जब चल रही है किसी को किसी कोई अच्छे लोग इसके अंदर है, हमारे तरफ गुनहगार होता था तो ये कब का गलती हो जाता था। तो अल्लाह से हर हालात में अल्लाह से शुक्र करो और अपने गुनाहों का हम लोग का अमाल क्या है, 24 घंटे हमारा जिंदगी है, हमने क्या 24 घंटे में क्या जिंदगी गुजारा है? अल्लाह ने आपको बचा दी, ये बहुत बड़ी बात है। हमने जो है ना 24 घंटे हमारा इसमें हमने कितना टाइम हमने अल्लाह को दिया है। हाँ, तो अल्लाह ये अल्लाह पाक हम लोग को दिखा रहे हैं, मगर बोलते हैं भाई मैं बचाने वाला हूँ, अगर मैं स्पीड में भी इसको कर सकता था कितना बोगी 8-9 बोगी है ये गिर जाता था। जाने एक गाड़ी के अंदर 200-400 बंदे बैठे हुए हैं तो सबके जाने चला जाता था, मगर शुक्र है बाल बाल बच गया। ये अल्लाह पाक का इसमें हम लोग को घर जागी और अभी भी इधर दो रकात नफल करना चाहिए और अल्लाह से अपना वो माफ़ी मांगना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे को बचा दिया। ये सबको ये नुकसान जो है ना, ये बुराई जब आती है इसको कोई पते नहीं लगते, मगर अल्लाह पाक ये एक भला था, मगर उसका अल्लाह ने दिखाया मगर नुकसान नहीं दिया, तो अल्लाह पाक बहुत बादशाह है। जी, आप मुसाफिरों की बातचीत सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि हमारे अमाल की वजह से ये ऐसी मुसीबतें हम पर आती हैं। कैमरा मैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खाने वाल सिटी न्यूज़।